हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे क्या जो सीएसआईआर नेट एग्जाम का एक क्वेश्चन, ठीक है। ये भी आपका जून 2018 में आया था, ठीक है। जून 2018 में एक क्वेश्चन आया था। तो आपका क्वेश्चन क्या है ना, देखिए, यू हैव टू फाइंड ट्रेस ऑफ है मैट्रिक्स, लेट ए इक्वल्स टू आपका हो गया क्या 2 1 0, देन 0 2 0 एंड 0 0 3 0 0 3, इसका पावर 20। ओके, ईच, सॉरी, यहाँ पे ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स दिस वन ईच, आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया 7 to the power 20, बी में आपका आ गया 2 to the power 20 प्लस 3 to the power 20, सी में आपका आ गया 2 into 2 to the power 20 प्लस 3 to the power 20, ओके, एंड डी में आपका आ गया क्या 2 to the power 20 प्लस 3 to the power 20 प्लस 1, ओके। ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपका सी एस आई आर नेट एग्जाम जून 2018 में आया था, ठीक है, जो कि आपका ट्रेस, यू हैव टू फाइंड ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स टू द पावर 20, जो कि आपका ऑप्शन ए में क्या है 7 to the power 20, बी में है 2 to the power 20 प्लस 3 to the power 20, एंड सी में क्या है ना 2 into 2 to the power 20 प्लस 3 to the power 20, एंड डी में है क्या 2 to the power 20 प्लस 3 to the power 20 प्लस 1, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे किस टाइप का, इसको हम सॉल्व करेंगे सर ट्रिक में, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप तो जानते हो ना क्या कि डायगोनल, हाँ, आइजन वैल्यू क्या है, आइजन वैल्यू आपका क्या होगा ना, एलिमेंट इन डायगोनल वो है ना। तो आइजन वैल्यू आपका क्या होगा, यहाँ पे डायगोनल में कौन कौन एलिमेंट है, 2 2 एंड 3, ठीक है। ये हो गया आपका आइजन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। ये तो आप जानते हो ना कि आइजन वैल्यू क्या है ना, एलिमेंट इन द डायगोनल, सॉरी, इन डायगोनल एलिमेंट आर द आइजन वैल्यू, सो दैट हियर एलिमेंट इन डायगोनल क्या है ना, 2 2 एंड 3 है, ठीक है। तो चलिए, तो आप लोगों ने जानते हो यहाँ पे क्या निकलना है कि ट्रेस ऑफ ए, ठीक है। सो ट्रेस का मतलब क्या है, सम ऑफ द आइजन वैल्यू, दैट मतलब ये नहीं कि 2 + 2 + 3 = 7 हो गया, देन ए का यहाँ पे 8 to the power 20 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेस, यहाँ पे जो आइजन वैल्यू है ये हो गया, हो जाएगा 7 to the power 20, ये आंसर ए। बहुत ही लोग ये ऐसे करके आए थे, बट ये रॉन्ग है आपका, ठीक है, ऐसे नहीं करना आपको, समझ गया, ये ऐसा मेथड ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, ये ऐसे भूल कभी भी मत करना, ठीक है। तो चलिए, तो आपका आइजन वैल्यू ये हो गया। तो आप लोगों ने जानते हो कि इफ आइजन वैल्यू ऑफ ए इज लैम्डा, देन आइजन वैल्यू ऑफ ए टू द पावर एन इच क्या होगा, लैम्डा टू द पावर एन, वो है ना। तो यहाँ पे आइजन वैल्यू का, हाँ, ए का आइजन वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 2 एंड 3, तो यहाँ पे आइजन वैल्यू ऑफ ए क्या है ना 2 2 एंड 3, वो है। तो आइजन वैल्यू ऑफ ए टू द पावर यहाँ पे 20 है ना, तो ये इसका क्या होगा 2 to the power 20 एंड 3 to the power 20, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या निकलना है, ट्रेस ऑफ है, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए टू द पावर 20। तो क्या आएगा यहाँ पे, सम ऑफ द आइजन वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए टू द पावर 20 निकालना है, नहीं कि ओनली ए, ठीक है। सो ए टू द पावर 20 का ट्रेस क्या होगा यहाँ पे, सम ऑफ द आइजन वैल्यू, दैट मतलब 2 to the power 20 प्लस 3 to the power, सॉरी, यहाँ पे भी 2 to the power 20 प्लस 3 to the power 20, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 into 2 to the power 20 प्लस 3 to the power 20, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो देखिए ऑप्शन में है क्या, फर्स्ट में तो नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में यहाँ पे है, वो ना 2 into 2 to the power 20 plus 3 to the power 20, ठीक है।
एंड डी भी आपका रॉन्ग हो गया. तो आपका राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेस ऑफ इस तरह से आपको नहीं निकलना है. ठीक है, ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा, बहुत ही लोग ऐसे करके आ जाएंगे. ठीक है, बट ऐसे नहीं करना आपको, आपको इस टाइप का करना होगा. ठीक है, आप लोगों ने समझ गए, आई होप यू ऑल आर क्लियर. सो आज के लिए इतना हो गया. तो नेक्स्ट देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आएगा आपको, देन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.